मेघालय नागालैंड की कुल 118 सीटों पर वोटिंग आज, 552 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। भारतीय सीमा में मवेशी चराने आए बांग्लादेशियों ने BSF पर किया हमला, 2 जवान घायल, हथियार छीनकर भागे। पाकिस्तान में चारों तरफ हाहाकार, ना दवाएं ना सर्जरी का सामान, कंगाली में मरीजों का बुरा हाल। रूस यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए भारत क्या भूमिका लेगा, पीएम मोदी ने बताया प्रेस रिव्यू। राहुल बोले 52 साल का होने के बाद भी मेरे पास एक घर नहीं है, बीजेपी ने कसा तंज। यूपी के उमेश पाल हत्याकांड में ताबड़तोड़ छापेमारी, पहचाने गए शूटर, गनर को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर PGI लखनऊ लाया गया। अपने तेवरों से भिंडरांवाले की याद दिला रहे अमृतपाल सिंह, कहा मैं भारतीय नागरिक नहीं। मनीष सिसोदिया गिरफ्तार, अब कैसे काम करेगी AAP सरकार, अरविंद केजरीवाल के सामने 3 सवाल। अफगानिस्तान में अब डुप्लीकेट तालिबान का खौफ, जनता को लूट रहे नकली आतंकवादी। G20 में पश्चिमी देशों के रवैये पर बरसा रूस, भारत की रचनात्मक भूमिका की तारीफ। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।